नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भूमि में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आपको दिख रहा होगा अब तक त्रिपन। तो अब तक त्रिपन क्या है? क्या आप जानते हैं मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है या नहीं? जी, हम बात कर रहे हैं त्रिपनवा जिला, जो मध्य प्रदेश का नवगठित जिला है। यहां पर अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्लेषण देखने वाले हैं, कब आई अधिसूचना, तो हम इसमें सारी जानकारी देखने वाले हैं मऊगंज के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहां आदेश और अधिसूचना की बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना आई। ये राजस्व विभाग की अधिसूचना है, राजस्व विभाग अधिसूचना, ठीक है। राजस्व विभाग की अधिसूचना कब आई तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है भोपाल दिनांक 13/8/2023, 13 अगस्त 2023 को राजस्व विभाग ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, अब आपसे ये भू राजस्व संहिता अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बता देना है, ये लिखा हुआ है 1959 मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता 1959 आई थी, और इसमें धारा 13 की उपधारा 2, धारा 13 के तहत गठन होता है किसी भी जिले का, ध्यान देना है आपको, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने एतद आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्रकाशन की तारीख क्या है, यह है प्रकाशन की तारीख 13 अगस्त 2023 से रीवा जिले की 3 तहसीलें, अब रीवा जिले से 3 तहसीलें निकाली गई, एक है मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, 3 तहसीलें निकाली गई। चौथी एक उप तहसील को भी यहां पर इसमें मिलाया जाएगा, जिसका नाम है देवतालाब, आगे देखेंगे हम। तो 3 तहसीलें रीवा से निकालकर इसमें समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करती है, जिसका मुख्यालय क्या होगा, मऊगंज होगा। जिला मऊगंज के गठन के उपरांत शेष रीवा जिले में कितनी, 9 तहसीलें, जिनमें हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्योंथर, रायपुर, करचिल्यान, गुड़, सिरमौर, सिमरिया तथा मनगवा शेष बचेंगी, ठीक है। और ये यहां पर है प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार चंद्रशेखर वालिम्बे अपर सचिव। तो ये था पत्र जो हमारा राजपत्र कहलाता है, अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को निकाली गई। चलिए आगे हम अगर देखें तो अब बड़े बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, बाकी जानकारी भी दूंगा मैं, पहले मैं बात करूंगा यूपी से कितने जिलों की सीमा हमारे जिले छूते थे, आपको फटाफट से बताना है। कोई बोलेगा सर 13, कोई बोलेगा 14, तो देखिए मैं यहां आपको सबसे पहले फटाफट बताऊंगा, ये मुरैना की सीमा 1, भिंड की सीमा 2, दतिया की सीमा 3, शिवपुरी की सीमा 4, अशोकनगर 5, सागर की सीमा 6, ठीक है, सागर की सीमा हो गई यहां पर 6, टीकमगढ़ की सीमा 7, निवाड़ी की सीमा 8, निवाड़ी है यहां पे, निवाड़ी की सीमा 8, छतरपुर की सीमा 9, पन्ना की सीमा 10, सतना 11, ठीक है, और रीवा 12 और सिंगरौली 13, 13 जिलों से सीमा पहले हमारी 13 जिले छूते थे पूर्व में। अब बात यह है क्या जो रीवा से जिला अलग हुआ है उसकी सीमा भी छूती है यूपी को या नहीं? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हां, बिल्कुल छूती है। तो यहां पर अब हो चुके हैं 13 हो जाएगा मऊगंज और 14 हो जाएगा, ये मऊगंज है और 14 हो जाएगा सिंगरौली। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, नहीं छूती है, नहीं छूती है, ठीक है। तो अब कितने जिला छूते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा को, 14। आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको कहना है जी हां बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, मऊगंज की सीमा यूपी को टच करती है। देखते हैं, ये तो वही मैप है, कोई बात नहीं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां बोला गया था कि 3 तहसीलें जिनमें से नईगढ़ी को उठाते हैं, ये नईगढ़ी उठा लिया मैंने, मऊगंज उठा लेते हैं, ये मऊगंज है यहां पर,
और हनुमना, ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन तीन तहसीलों को उठा लिया गया है। और आप देख सकते हैं इस मैप के अनुसार, इस मैप के अनुसार ये क्या है, यूपी। तो यूपी से देखो रीवा की सीमा तो छू रही है, ये रीवा है, रीवा का भाई अलग हुआ, ये है मऊगंज, मऊगंज जिला। तो ये देखिए आप यूपी की सीमा बिल्कुल यहां से लेके, कहां से सर, यहां से लेके ये सीमा छू रही है बिल्कुल यूपी को, मऊगंज की, ठीक है, ये मऊगंज की सीमा यूपी को टच कर रही है, बिल्कुल कर रही है, मतलब अब 14 जिले हमारे यूपी की सीमा को छूते हैं। अब हम इस जानकारी को देखते हैं, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज किससे अलग हुआ, रीवा से अलग हुआ, रीवा से, ठीक है। तहसील इसमें कितनी है, अभी तीन है, चौथी प्रस्तावित है, देवतालाब भी इसमें शामिल की जाएगी। रीवा से उठाई गई नईगढ़ी, हनुमना, मऊगंज, ये तीन आपकी स्क्रीन पर, और देवतालाब जो कि अभी उप तहसील है इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। विधानसभा सीट आपसे बोलेगा कोई, मऊगंज, मऊगंज और देवतालाब दो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। एरिया, एरिया अगर मैं बात करूं तो सरकार ने अभी हेक्टेयर में दिया है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आपको देखना है 186,688 हेक्टेयर इसका एरिया है। जनसंख्या 616,645 यहां पर जनसंख्या है। कलेक्टर साहब वर्तमान में अजय श्रीवास्तव तथा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यहां के बनाए गए हैं एसपी वीरेंद्र जैन, ठीक है। तो ये यहां पर इसकी जानकारी थी, यूपी से इसकी सीमा बिल्कुल छूती है। आगे देखते हैं हम घोषणा, 53वां जिला मऊगंज रीवा से अलग कर बनाया गया, क्षेत्रफल वही 1,86,688 हेक्टेयर, जनसंख्या 616,645। घोषणा कब की थी, तो यहां शिवराज सिंह चौहान जी गए थे 4 मार्च 2023 को, अभी घोषणा करके आए। अधिसूचना मैंने अभी बताया आपको राजपत्र में 13 अगस्त 2023 से यहां जारी कर दी गई। और गठन व प्रारंभ, गठन व प्रारंभ की बात करूं मैं तो 15 अगस्त 2023 को यहां झंडा वादन कर दिया गया। और नई तहसील हनुमना, नईगढ़ी, मऊगंज यहां पर, और चौथी प्रस्तावित देवतालाब इसमें शामिल की जाएगी। तो अगेन मैं बता देता हूं आपको, यहां पर आप सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज रीवा से अलग करके बनाया गया, क्षेत्रफल 186,688 हेक्टेयर है ये, जनसंख्या 616,645 दिख रही होगी आपको, घोषणा हुई थी इसकी 4 मार्च 2023 को, अधिसूचना राजस्व विभाग में जारी की गई 13 अगस्त 2023 को, इसके अलावा गठन और प्रारंभ इसका किया गया 15 अगस्त 2023 को, झंडा फहराकर इस जिले का गठन कर दिया गया। इसमें जो तहसीलें अभी शामिल की गई रीवा से, नईगढ़ी, हनुमना और मऊगंज, चौथी नई तहसील इसमें शामिल की जाएगी जो कि अभी उप तहसील है देवतालाब। और मऊगंज की सीमा बिल्कुल किससे छूती है, उत्तर प्रदेश से छू रही है, तो रीवा की भी सीमा छू रही है और मऊगंज की भी। इस तरह मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश को छूने वाले जिलों की संख्या 13 से अब 14 हो गई। तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।